हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पोकेमोन मून ब्लैक 2। तो फाइनली आज का लास्ट एपिसोड होने वाला है इस सीरीज़ का। आई नो ये सीरीज़ काफ़ी बड़ी थी, मैंने इसको बीच में थोड़ा सा डिले कर दिया था बिकॉज ऑब्वियसली मेरी हेल्थ इशूज़ थे, लेकिन अभी मैं ठीक हो चुका हूँ। तो अभी हम लोग आज इस सीरीज़ का आखिरी एपिसोड करने वाले हैं। मैंने टीम को थोड़ा सा ट्रेन करके रखा है, थोड़ा सा ही ट्रेन किया, ज़्यादा कुछ ट्रेन नहीं किया। आई मीन 85 लेवल के हैं आसपास। ओके, मैंने थोड़ा सा ही ट्रेन किया, ओके मैं पहले ही बता दूँ। एंड टीम में एक चेंजेस है, हम लोगों ने क्रोकोडाइल को ऐड कर दिया हमारी टीम में, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बता दिया था कि एक ग्राउंड टाइप पोकेमोन मुझे मेरे टीम में रखना ही चाहिए, बिकॉज ऐश के साथ ग्राउंड टाइप पोकेमोन होना एक काफ़ी अच्छी बात होगी। सो दैट्स वाई मैंने इसको रखा है। तो आज के एपिसोड में हम लोग यहाँ पे चैलेंज करेंगे एलीट फोर को एंड हरा देंगे ऑब्वियसली। तो आई गेस हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये सब मैं डायलॉग्स वगैरह पढ़ने नहीं वाला। और हाँ, मेरे को आप लोगों ने ये भी बता के रखा है कि इन चारों के पास, ये जो जो भी चार एलीट फोर हैं, इन सब के पास एक टापू वाला पोकेमोन है, लाइक जो काइंड ऑफ जो मेन पोकेमोन होता है ना वैसे। तो अभी हम लोग किसके साथ ओपन करें? लेट्स ओपन विद आई गेस मेटाग्रॉस। ये सब कहूनाज है, काइंड ऑफ लीडर्स। इसका नाम पहले वाले का नाम है हाला, उसने यूज़ किया हरियामा। ओके, आई कैन यूज साई शॉक, मैंने इसको साई शॉक सिखा के रखा है। ओके, लेफ्ट ओवर काम कर रहा है। आई नो मेरे पोकेमोन थोड़े से ओवर लेवल्ड है, लेकिन आई गेस इट्स वर्थ इट, पता नहीं, देखते हैं। बी वेर आ रहा है, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे बाकी का। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आज के एपिसोड में बाकी का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। वन शॉट किल, मैंने बाकी को लाइफ और फोल्ड करने को दिया है, जिससे कि उसके अटैक्स और भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अभी आ रहा है एक मेडिचैम, मेडिचैम के लिए हम लोग यूज़ करेंगे किसको यूज़ करूँ यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे मेडिचैम एक फाइटिंग टाइप भी है, सो आई गेस लेट्स गो विथ ऑप्टिमस, ठीक है चलो देखते हैं। एंड हम लोग यूज़ करेंगे अर्थक्वेक। हाई जंप किक ज़्यादा डैमेज तो देनी नहीं चाहिए। ओके, अर्थक्वेक अगेन, हरा दिया इजीली। एक कॉन्केल्डर आ रहा है, इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे साइशॉक के साथ ही जाना प्रेफर करूँगा आई गेस, होपफुली इसका स्पीड ज़्यादा हो। है ओके, पे बैक थोड़ा ज़्यादा डैमेज दे रहा था, लेकिन इवेंचुअली हम लोगों ने उसको निपटा दिया। और सो फार सो गुड आई गेस, सब ठीक ही जा रहा है। अभी आ रहा है टापू कोको, इसको हराने के लिए हम लोग किस पोकेमोन को यूज़ करें मुझे कोई आइडिया नहीं है। आई गेस टापू कोको इलेक्ट्रिक टाइप होता है, सो लेट्स ट्राई अवर क्रोकोडाइल। लेट्स यूज अर्थक्वेक, उसने यूज़ कर लिया डाइजनलिंग क्लीन, सर्वाइव कर गया। ओह थैंक गॉड, ही सर्वाइव कर गया। वो कैसे सर्वाइव कर गया, आई हैव नो आइडिया। आई होप सो वो अभी, अच्छा वो हील नहीं करेगा। ओके, तो अगर तू हील नहीं करेगा ब्रो, तो मेरे पास एक अच्छी बात है कि आई कैन फिनिश यू विथ माई प्रायोरिटी मूव बुलेट पंच। ओके, चला गया ये। और एक पोकेमोन है पोलीवैथ, इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे मेगा वीनसोर का फ्रेंजी प्लांट। यूज़ करके ख़त्म कर दो यार, मैं चांस नहीं लेना चाहता यहाँ पे। ओके, सो फार हम लोगों ने इसको इजीली हरा दिया है। ओके वेट, मेरे को ना एक्चुअली एक काम करना है, पहले तो रिवाइव कर लेते हैं हम लोग हमारे क्रोकोडाइल को, और हील कर लेंगे हम लोग हमारे ऑप्टिमस को, क्रोकोडाइल को, और इसको बाकी को भी कर लेते हैं। एंड एक और मेरे को मूव सिखाना है एक्चुअली, पॉइजन टाइप है वो थोड़ा सा, हाँ वेनो शॉक, बिकॉज हाँ चलो हमारी टीम में
वीनसोर सीख सकता है, तो हम लोग इसको सिखाएंगे। इसका हटा देंगे सोलार बीम। सोलार बीम दो टर्न वाला मूव है, तब तक तो मेरा मर जाएगा पोकेमोन, फिर यूज़ ही क्या उसका। ओके अब यहाँ पे जाएंगे, चलो देखते हैं किसके साथ ओपन करो इस बार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आई गेस दिस टाइम लेट्स ओपन विथ क्रोकोडाइल। आई डोंट नो मैं सही जा भी रहा हूँ कि नहीं, बट देखते हैं। ओलिविया, उसने पहला पोकेमॉन भेजा एक, नहीं यार मेरे को पोकेमॉन चेंज करना पड़ेगा अभी। मेगा वीनस और आई चूज यू बिकॉज वो रॉक एंड वाटर टाइप पोकेमॉन है। ओ ड्राउजी यूज़ कर रहा है, आई मीन योन यूज़ कर रहा है। सो गया मेरा पोकेमॉन बेचारा। कोई नहीं कोई नहीं, उठ जाएगा, या फिर मैं इसको उठा देता हूँ। मेरे पास फुल है आई गेस, है ना, इतनी खरीद के रखे क्यों है, मैंने बहुत शॉपिंग की थी बाय द वे। टापू ले ले, ये एक फेरी टाइप पोकेमॉन है, सो आई चूज ऑप्टिमस। अब मैं दिखाऊँ इसको वन शॉट करके, ये देखो मेरी पावर वन शॉट करने का ऐसे। गोलेम आ रहा है, गोलेम के लिए हम लोग स्लोब्रो का यूज़ करेंगे। लेट्स गो सर, उसने यूज़ किया थंडर पंच, सो फार सो नॉट गुड। हो ओके ओके, ये स्टर्डी वाले पोकेमॉन ना दिमाग में जाते हैं यार। आई नो स्लोब्रो तो फेंट हो जाएगा, क्या कर सकते हैं। आई डोंट नो एक आई मीन गोलेम की स्पीड ज़्यादा नहीं होती वैसे देखा जाए तो, बट आई गेस जस्ट बिकॉज वो एक इलेक्ट्रिक टाइप भी है तो उसको प्रायोरिटी मिल रही है। आई डोंट नो क्या क्या पीछे का रीज़न है। अर्बोक आ रहा है, अर्बोक के लिए इस बार हम लोग यूज़ करेंगे मेगा वीनसोर का। मैं उसको ये वही अर्बोक है आई नो सैंड स्ट्रीम वाला, तो इसके लिए हम लोग लीड सेट यूज़ करेंगे। उसने हाथ कर यूज़ कर दिया, ब्रो प्लीज सर्वाइव कर जा। ओके क्रिटिकल हिट, डैम नहीं इस बार चेंज तो नहीं करूँगा, इस बार चेंज नहीं करूँगा। मेरी सारी एचपी रिटर्न दे दे रहा लिकैथ। स्टर्डी वाले पोकेमॉन, आई हेट स्टर्डी वाली एबिलिटी। और डैम क्या डैमेज दे रहा है। मेगा लाइकन ड्रॉप नाइट वाला आ रहा है ना, ठीक है लेट्स गो विद बाकी हियर। और एस्पियर के साथ इसको ख़त्म कर देंगे। अरे बाकी के सामने कोई टिक ही नहीं पाएगा। प्रोबोपास कुछ कोई भी आने दो, नहीं वो स्टडी वाला हो सकता है। सो दिस टाइम आई गेस हाँ वीनसोर है ना हमारे पास, फिर से इसके सारे एचपी खींच लो और क्या। अच्छा ये स्टील टाइप भी होता है, मैं भूल गया, डैम। प्लस उसके पास लेफ्ट ओवर है। ओके वेट ब्रो, अभी मैं अर्थक्वेक मारूंगा और तू स्टडी से बचेगा नहीं बिकॉज तेरी एचपी ऑलरेडी मैंने हिट करके रखी थी। आई गेस मैंने इसको भी हरा दिया, ओलिविया को हरा दिया, नाइस। फट से पोकेमॉन हील कर लेते हैं, हाइपर पोशन। अच्छा दो लोग तो फेंट हो चुके हैं इस बैटल में, विदाउट एनी रीजन फेंट हो गए, बट ठीक है। ओके सो फार सो गुड, तीसरे को हराएंगे। किसके साथ ओपन करूँ, चलो क्रोकोडाइल के साथ ही जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता। इसका नाम क्या है, मोलाइन। ओके ओ बाई शार्प, लेट्स गो विद अर्थक्वेक। स्वॉर्ड डांस, ओके अभी मेरे को पता है ना फुल रिस्टोर आने वाला है तो कोई नहीं, करा दिया। मॉक्सी ट्रिगर हो चुकी है। टापू बुलू आ रहा है, ये मुझे पता है कौन सा टाइप का पोकेमॉन है।
हाइड्रैगन आई चूज यू, ये ग्रास टाइप होता है पता है। मेटाग्रॉस, मेटाग्रॉस के लिए मेरे पास देखा जाए तो बहुत सारे ऑप्शन है हराने के लिए, बट स्टिल आई विल यूज हाइड्रैगन हियर। ओके ओके, अरे नहीं इसके पास प्रायोरिटी मूव है। अरे रे रे रे, नहीं नहीं नहीं, तेरे को क्या लगता है बस तेरे पोकेमॉन के पास प्रायोरिटी मूव है? ले मेरी खा। अरे टाइम, अब तो पक्का मरेगा, पक्का मरेगा वो। ओके एक टाइफ्लोजन आ रहा है, इसके लिए आई विल सिंपली यूज माय स्लो ब्रो। ये मेरा अब तक का सबसे बेस्ट वाटर टाइप पोकेमॉन में से एक रहा है। स्वॉर्ड डंस यूज कर ले, कर ले ब्रो। फ्लेयर ब्लेड्स से कुछ डैमेज नहीं होगा। ओके खुद ही चला गया उसके पास आई गेस। लाइफ ऑर्ब होगा, मैग्नेजोन आ रहा है। फॉर दिस आई विल यूज क्रोकोडाइल आई गेस, बट लेट मी आई गेस इसके पास कोई आइटम नहीं है। मेरे को लगा एयर बलून वगैरह कुछ हो सकता है जिससे कि थोड़े टाइम के लिए वो इम्यून हो जाता है। सैंड स्लश आ रहा है, आई गेस ऑप्टिमस आई चूज यू। मिट्टी और मैश से ख़त्म कर देंगे इसको। ओके वेट वेट वेट, हमारा काम हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा सा ही काम बाकी है। इसको भी काफ़ी इजीली निपटा दिया, हील करते फट से। इस बार भी एक पोकेमॉन फेंट हो गया यार बेचारा। चलो कोई नहीं, अभी ये आखिरी वाली को हराएंगे और उसके बाद सीधा चैंपियन से बैटल करेंगे। कर ले बैटल ब्रो। इस बार भी मैंने आएगा इस क्रोकोडाइल को ही सामने रखा है, देखते हैं देखते हैं। इसका पहला पोकेमॉन एक बेनेट है। लेट मी यूज माय फाउल प्ले। मॉक्स से ट्रिगर हो चुकी है, रोसला सारा वेट। इसके लिए ना मैं अपने आई गैस किसको यूज़ करूँ यार, मुझे कोई आइडिया समझ में नहीं आ रहा। फ्रोसला से एक आइस टाइप भी है और एक गोस्ट टाइप भी है। चलो एक काम करते हैं, बाकी को ट्राई करता हूँ मैं यहाँ पे। एंड लेट मी यूज माय फ्लैश कैनन हियर, आई होप सो। काम तो किया उसने, फोकस शेस था उसके पास इसलिए। इस बार नहीं बचेगा तेरा पोकेमॉन। हेलो सैंड, ओके ओके, वो भी गोस्ट टाइप ही है। बट गेस व्हाट, हु केयर्स, आई एम गोइंग टू यूज माय फ्रेंजी प्लांट हियर, जो कि इसको ऑब्वियसली वन शॉट किल कर देगा। अभी हम लोग चेंज करेंगे हाइड्रैगन में फ्लेम थ्रोअर। बर्न हो गया बेचारा, खत्म है वो, वैसे ही डेड है वो। टापू फीनी आ रहा है, ये एक वाटर टाइप होता है। सो वीनसोर आई चूज यू। लेट्स यूज फ्रेंजी प्लांट अगेन एंड से टाटा बाय बाय। फेरी एंड वाटर टाइप होता है। मिमिक क्यों आ रहा है? ओके वो रिचार्ज करेगा आई नो। कोई नहीं कोई नहीं, हम लोग लिटरली इसके साथ खेलेंगे थोड़ा सा।
बोला था ना खेलूंगा मैं उसके साथ। ओके फाइनली सारे एलीट फोर को मैंने निपटा दिया है, अभी बस बाकी है तो चैम्पियन। ओ इस बैटल में तो मेरा कोई पोकेमॉन फेंटी नहीं होता, हील कर लेता हूँ सबको। ओके अभी जो बैटल में लड़ने जाऊँगा वो हमारी मेन चैम्पियन बैटल होने वाली है, जिसके लिए मेरे को थोड़ा सा नर्वसनेस है, बट ठीक है लेट्स सी। उसका पहला पोकेमॉन कौन सा हो सकता है? वेट आई गेस मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है कि मैं जानता हूँ उसके पहले पोकेमॉन को, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ हाई ड्रैगन। होपफुली सब ठीक हो, चलो देखते हैं। वेलकम चैलेंजर, या शी है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस। वेर यू एक्सपेक्टिंग मी टू बी द चैम्पियन? सम डिडेंट, सम सेड देयर वॉज अ 0% चांस ऑफ इट हैपनिंग, बट हियर आई एम। ओके नो वॉट, आई रियली लुक फॉरवर्ड टू हैविंग अ सीरियस बैटल विथ स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स। आई मीन कम ऑन, द ट्रेनर्स हु मेक इट हियर आर ट्रेनर्स हु डिजायर विक्ट्री विथ एवरी फाइबर ऑफ देयर बींग, एंड दे आर बैटलिंग अलॉन्ग साइड पोकेमॉन दैट हैव बीन थ्रू काउंटलेस डिफिकल्ट बैटल्स। इफ आई बैटल विथ पीपल लाइक दैट, नॉट ओनली विल आई गेट स्ट्रॉन्गर, माई पोकेमॉन विल टू, एंड वी विल गेट टू नो ईच अदर इवन बेटर। ओके ब्रेस योर सेल्फ, आई एम ऐश द पोकेमॉन लीग चैम्पियन एंड आई एम गोइंग टू डिफीट यू। ओके पहला पोकेमॉन डेसिड्यू आए। ए हेलो, ओ बाप रे, रुको 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 रुको, हियर आई विल डू दिस। ये गलत बात है, हे भगवान। ओके ओके स्लो ब्रो सेव द डे, पिकाचू आ रहा है, क्रोकोडाइल आई चूज यू। ओके ये चला गया, आई गेस फाउल प्ले। ऑल डबल हो चुका है अटैक, डैम मेल मेटल आ रहा है, आने दो आने दो, डरता नहीं हूँ मैं, अर्थक्वेक ही खा लेगा इसको, फिर भी सर्वाइव कर गया यार, कितना डिफेंस है इस पोकेमॉन का। ओके हरा दिया, लेकिन सर और ओके ओके चिल चिल कोई नहीं। है नूब, लाइक एंड रॉक। ओके ये सब स्वॉर्ड डांस वाले, लेकिन गेस व्हाट, हमारा स्लो ग्रो हम लोगों को जीत की तरफ लेके जा, हरा भी दिया। ओके दैट वाज रियली इजी, ओके गो ऑन अहेड। ओके सो आई गेस इसी के साथ हम लोगों ने इस गेम को फाइनली कंप्लीट कर दिया है। आई नो आज का एपिसोड थोड़ा सा छोटा था, बट कोई नहीं, मैंने सब बैटल फास्ट फॉरवर्ड में की, बिकॉज अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड नहीं करता तो एपिसोड बहुत बड़ा हो जाता, एंड काली फुकट में मैं एपिसोड को लंबा खींचना भी नहीं चाहता था। सो या आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। एंड हाँ हम लोग बहुत जल्दी न्यू गेम स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट गेम कोई GBA गेम होने वाला है, सो मुझे आप लोग अपने सजेशंस दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो चलो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, पीस आउट।